तो वीवो ने लॉन्च कर दिया है अपना नया 4G बजट स्मार्टफोन जो कि है वीवो Y03। इसी के बारे में सारा कुछ बात करते हैं, क्या इसकी प्राइस है, क्या क्या हमें इस पे इंटरेस्टिंग स्पेक्स के साथ में देखने को मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं एक फ्लैट डिजाइन के साथ में ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ में प्लास्टिक बैक के साथ में आपको देखने को मिल रहा है, तो डिजाइन वाइज आपको एक डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात कर ले तो आपको 6.5 इंच का एक 90Hz का HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि आपको वाटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। वीवो के जो भी बजट स्मार्टफोन है सभी में हमें वाटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 के साथ में देखने को मिल रहा है, आगे चल के कोई आपको एंड्रॉइड OS के अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 साल तक आपको सिक्योरिटी पेज का अपडेट देखने को मिल सकता है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो आपको देखने को मिल रहा है MediaTek Helio G85 का एक 4G प्रोसेसर जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको Helio G85 का देखने को मिल जाता है, एक डिसेंट सा प्रोसेसर है, डे टू डे टास्क के लिए काफी अच्छा है। वही आपको देखने को मिल रहा है 5000 mAh की बैटरी, बॉक्स के साथ में आपको 15 वॉट का टाइप सी चार्जर देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर कैमरास के बारे में बात कर ले तो रियर साइड में आपको सिंगल 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है जो कि आराम से आपका डे टू डे टास्क का काम कर देगा। उसी के साथ आपको दो वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, यानी कि 464 4128 दो वेरिएंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। साइड माउंट आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, ड्यूअल 4G वोल्टी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, अदर सभी सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसकी प्राइसिंग क्या है और ये हमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये आपको दो वेरिएंट पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप 6999 या फिर 7999 दोनों में से एक में आपको देखने को मिलेगा और ये अभी सेल स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन पे ऑनलाइन पे कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। और रही बात कि आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखिए अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है एंट्री लेवल स्मार्टफोन 10,000 तक में, तो आप ये बेशक बाय कर सकते हैं।